पहले तो मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगी। एक रिश्ता है हमारा भी, मेरी नजर में है तुम्हारी नजर में ना सही। मुसलसल तेरे नजार अंदाज करने की राह बता, देखो ना यही तो है हमारी मोहब्बत की दास्तां। तो कुछ ऐसा लिखा है मैंने प्रेम में जितना ही समर्पण दिया, मुझे उतना ही वैराग मिला। मुझे मिली तुम्हारे इंतजार की सदियां, जो ना मिल सका वो बस तुम हो। मुझे मिली हर खुशी अधूरी, क्योंकि वह बिन तुम्हारे। मैंने पाया खुद को आदित्य, तुम्हारे होने के बाद भी। रात्रि बताएगी तुम्हें मैं कैसे तुम्हारी बतियां करती थी उससे। भोर से पूछना मेरा इंतजार कितना पवित्र था। सपनों से पूछना कैसे ख्वाबों को बुना था मैंने। मेरी अनकही बातों में भी बस तुम्हारा ही जिक्र चुना था मैंने। बीते तुम्हारे इंतजार में तुमको ही बस रवा किया था मैंने। मेरे प्रेम का सबूत है रात रानी के फूलों की सुगंध। मेरे हृदय का जो राग है उसकी तुमसे ही तो शुरुआत है, उसकी तुमसे ही तो शुरुआत है। ये मैंने लिखा था जब मैं कहीं जा रही थी। तो ये जो जितना भी लिखा है वो मैंने यहाँ से कानपुर जाते वक्त रास्ते में लिखा है। तो कुछ ऐसा लिखा है, आज मैंने एक सफ़र तय किया, न जाने कितने तजुर्बों को एक साथ जिया। आज मैंने एक सफ़र तय किया, न जाने कितने तजुर्बों को एक साथ जिया। किसी को खुशी मनाते देखा, तो किसी को अपनों से जुदा होते देखा। कोई अमीर तो कोई गरीब, किसी को भटकते देखा तो किसी को मंजिल की तलाश में देखा। कोई खुश है साइकिल में भी, कोई खुश है साइकिल में भी, तो किसी को कार में भी एसी ना होने का गम करते देखा। आज मैंने एक सफर तय किया, ना जाने कितने तजुर्बों को एक साथ जिया। मैंने देखा उस हवा के बदले हुए अंदाज, मैंने देखा उस हवा के बदले हुए अंदाज को, मैंने देखा उस पुराने मकबरे को। किसी को हंसते तो मुस्कुराते अपने घर वालों के लिए कमाते, मैंने उस प्रकृति को भी हमारे लिए खुशियां मनाते देखा। इतना शोर था मेरे पास, फिर मैं ही क्यों अकेली बैठी उदास। इसका मैंने खुद को अनुमान लगाते देखा आज। मैंने एक सफर तय किया, न जाने कितने तजुर्बों को एक साथ जिया। ऐसे ही मैंने कुछ दिन पहले लिखा था कुछ, मैं निकली हूँ उस यात्रा पर जहाँ मुझे बगैर तुम्हारे ही सफर करना है। मिलते रहते हैं मुझे अक्सर मुसाफिर, पर कोई तुमसा नहीं मिलता। खैर अब तुमसे तो तुम भी नहीं मिलते, खैर अब तुमसे तो तुम भी नहीं मिलते जैसे मिला करते थे, जैसे चोरी छुपे घर से निकला करते थे। मुझसे मिलने के लिए माँ से अक्सर कोई ना कोई बहाना तुम दिया करते थे, और फिर मुझसे मिलकर बड़ी बेरहमी से मुझे ही झूठ बोलने की वजह कहते थे।